नमस्कार दोस्तों, मैं रोनित, आप सबका स्वागत करता हूं ऑटोकार स्पोर्ट की एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके गाड़ी में पड़ने वाला इंजन ऑयल के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऑटोकार स्पोर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंजन ऑयल होता क्या है। इंजन ऑयल एक तरह का पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन क्रूड ऑयल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। इंजन ऑयल का सबसे बड़ा और पहला काम है इंजन के बीच के फ्रिक्शन को कम करना, यानी कि इंजन के अंदर के मेटल पार्ट्स को लुब्रिकेट करना जिससे कि उनके अंदर फ्रिक्शन कम हो। और इसका दूसरा सबसे बड़ा काम है इंजन के अंदर का टेम्परेचर को मैनेज करना, या कहें तो रनिंग कंडीशन में इंजन को ज़्यादा गर्म होने से बचाना। अब बात करते हैं सिंथेटिक ऑयल के बारे में। सबसे पहले जर्मनी में 1930 से 1940 के बीच में सिंथेटिक ऑयल को बनाया गया था, क्योंकि उस समय जर्मनी में गाड़ियों और जेट में पड़ने वाला इंजन ऑयल विंटर के समय इतना कुछ खास इफेक्टिव नहीं था। कुछ कुछ जगहों पर तो ये ऑयल इंजन के अंदर ही जम जाता था, तो जर्मनी ने उस समय एक बेहतरीन सिंथेटिक ऑयल का इजाद किया जो कि एक्सट्रीम विंटर कंडीशन में भी अपनी चिकनाहट या कहे तो वेस्कोसिटी को बरकरार रखे और एक्सट्रीम गर्मी में भी ये ऑयल इंजन को ठंडा रख सके। इस ऑयल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जेट इंजन में होता है, क्योंकि जेट जब आसमान पे होता है तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और जब ज़मीन पे आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरह के कंडीशन को हैंडल करने के लिए जेट इंजन में सिंथेटिक ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम जानते हैं मार्केट में कितने टाइप के इंजन ऑयल आपको मिलते हैं। तो जो इंजन ऑयल आपको मार्केट में मिला है वो पूरा का पूरा सिंथेटिक ऑयल नहीं है। जिस इंजन ऑयल में फुल्ली सिंथेटिक लिखा होता है उसमें सिंथेटिक ऑयल केवल 27% ही होता है और बाकी सारे मिनरल ऑयल और कुछ एडेड केमिकल ही होते हैं। क्योंकि अगर एक इंजन ऑयल में 100% या फिर 80% सिंथेटिक ऑयल का यूज किया जाएगा तो वो ऑयल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकेगा। इसी वजह से इंजन ऑयल में सिंथेटिक ऑयल का यूज कम किया जाता है। और अब एक नया तरह का इंजन ऑयल मार्केट में लॉन्च हुआ है जिसे कि हम सेमी सिंथेटिक ऑयल के नाम से जानते हैं। अब इस इंजन ऑयल में 18% सिंथेटिक ऑयल और बाकी सारे एडेड मिनरल और कुछ केमिकल डिटर्जेंट्स होते हैं। जब आप मार्केट में इंजन ऑयल को खरीदने जाते हैं तो उसके डब्बे पर कुछ इस प्रकार के नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि 10W40, 5W30 और 20W50। तो 10W40 में सबसे पहले हम जानते हैं 40 का मतलब क्या है। जब आप इस इंजन ऑयल को 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो इसका वेस्कोसिटी 40 रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे इसको 100 डिग्री पे ही क्यों गर्म किया जाता है, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम क्यों नहीं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब इंजन रनिंग कंडीशन में होता है तो इंजन के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री रहता है। अब हम जानते हैं इसको कैसे टेस्ट किया जाता है। इस 10W40 ऑयल को जब 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके वेस्कोमीटर में डाला जाता है तब वो कितना टाइम लेता है उसे मेजर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द टाइम उसे एक नंबर दिया जाता है। अगर इंजन ऑयल 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म होने पर पतला रहता है तो उसे एक लोअर नंबर दिया जाता है। उसी तरह ऑयल अगर गाढ़ा होगा या कहे तो वेस्कोमीटर में स्लो ट्रैवल करेगा तो उसे एक हायर नंबर दिया जाता है। 10W40 इंजन ऑयल में 10 का मतलब है कि जब यह ऑयल ठंडा या कहे तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा तो इसका वेस्कोसिटी रहेगा 10, यानी कि वो ऑयल पतला होगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय तक अपनी गाड़ी को खड़े रखते हैं या फिर गाड़ी को रात पर पार्क करके रखते हैं तो आपकी गाड़ी का पूरा इंजन ऑयल नीचे वाले पार्ट में जमा होकर रह जाता है। तो अगर इंजन ठंडा होने पर इसका वेस्कोसिटी कम रहेगा या कहे तो ऑयल अगर पतला रहेगा तो वो इंजन ऑयल पूरे इंजन में कम टाइम में फैल जाएगा जिससे कि आपका इंजन वेयर एंड टेयर होने से बच जाएगा। तो आप जानते हैं आपके गाड़ी के लिए कौन सा ऑयल बेटर रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक मिनरल ऑयल का लाइफ कितना होता है। एक अच्छे ब्रांड का मिनरल ऑयल का लाइफ होता है 10,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर। मिनरल ऑयल से मेरा मतलब है कि एक नॉर्मल इंजन ऑयल। और एक सेमी सिंथेटिक ऑयल का लाइफ होता है 15,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर। उसी तरह फुल्ली सिंथेटिक ऑयल का लाइफ होता है 15,000 किलोमीटर से लेकर 25,000 किलोमीटर तक। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो किलोमीटर मैंने मेंशन किया है ये सिर्फ आपके फोर व्हीलर के लिए है, मगर हमारे देश भारत में गाड़ियों की सर्विसिंग 1 ईयर या फिर 10,000 किलोमीटर पर होता है।
जिसमें कि सर्विस सेंटर वाले आपके इंजन ऑयल को एक साल में ही चेंज कर लेते हैं, चाहे आपका गाड़ी 10,000 किलोमीटर चले या फिर ना चले। तो अगर आप सिंथेटिक ऑयल को 1 ईयर या फिर 10,000 किलोमीटर पे बदल देते हैं तो आप अपनी पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। और इंडिया में एक सर्वे से पता चला है कि 80% से भी ज़्यादा प्राइवेट कार 1 ईयर में 10,000 किलोमीटर भी चल नहीं पाती है, मगर उन लोगों को मजबूरी में ही अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल 1 ईयर पे ही चेंज करना पड़ता है। अगर आपका गाड़ी एक साल में 10,000 किलोमीटर से भी कम चलता है तो आप नॉर्मल इंजन ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको एक अच्छा वाला इंजन ऑयल यूज ही करना है तो आप सेमी सिंथेटिक ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका गाड़ी कमर्शियल में चलता है तो आप सिंथेटिक ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एक मिथ है कि अगर आप सिंथेटिक ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गाड़ी का लाइफ बढ़ जाता है, मगर ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बातें हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी का लाइफ बढ़ाना ही है तो आप एक अच्छे ब्रांड का इंजन प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1000 सीसी वाले इंजन में लगभग 500 ml इंजन प्लस यूज किया जाता है, जिसका कीमत 300 से 600 रुपये के बीच में होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 साल में या फिर 20,000 किलोमीटर में एक बार इंजन फ्लश का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इससे आपकी गाड़ी के अंदर जो भी कचरा होगा वो इंजन ऑयल ड्रेन के समय बाहर निकल आएगा। तो फिर आइए जानते हैं इंजन फ्लश का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। पुराने वाले इंजन ऑयल को ड्रेन करने से पहले आप इंजन फ्लश को इंजन के अंदर डाल दीजिए। अब आपको 5 से 10 मिनट गाड़ी को स्टार्ट करके खड़े रखना है, उसके तुरंत बाद ही इंजन ऑयल को ड्रेन कर देना है। इससे आपके गाड़ी के अंदर जो भी कचरा होगा वो इंजन ऑयल के थ्रू बाहर निकल आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और भी बहुत सारे बातें हैं जो कि मैं आपको नहीं बता पाया। तो अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऑटोकार एक्सपर्ट चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ ऑटोमोबाइल के रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। हमेशा 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट और 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिए।